बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। किचन विद नवीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बारिश का मौसम है, बारिश बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ कोई स्पाइसी रेसिपी शेयर की जाए। तो आज हम बनाएंगे टिक्का बोटी घर पर, वो भी कढ़ाही में, और ये बनाना बहुत नहायत आसान है। तो इसके लिए हमारे पास 1 किलो चिकन है, इसमें ये बड़े 2 खाने वाले चम्मच हम लगाएंगे दही, नमक लगाएंगे हसबे ज़रूरत 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून है हमारे पास टिक्का मसाला, वो शामिल करेंगे इसमें। लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी लगाएंगे 1/2 चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको मैरिनेट हो जाएगा जी। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को अच्छी तरह मसाला लग चुका है। तो अब हम इसके दरमियान में ये प्याली रखेंगे, इसमें एक जलता हुआ कोयला है, तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और जब जो धुआं बनेगा तो हम ऊपर से इसको ढांप देंगे। जब ढांप देंगे तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट ऐसे ही छोड़ेंगे, और फिर बाद में इसको कढ़ाई में आपके साथ बना के शेयर करेंगे। बारिश हो रही है बहुत तेज़ों की आज। व्यूअर्स, ये चिकन को तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है मसाला लगाए हुए। तो अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, और साथ ही फिर हम चिकन को कढ़ाई में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में हमने 2 से 3 चम्मच खाने के ऑयल शामिल किया हुआ है, ताकि जो हमारा टिक्का बोटी है वो नीचे ना लगे। ये देख लिया आपने कि मैंने कढ़ाई को नीचे से ना ऑयल लगाया हुआ। अब इसमें शामिल करके चिकन को ऊपर से हम ढांप देंगे। बहुत अच्छी तरह हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, ये देखें। ऐसे सारा चिकन डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। व्यूअर्स, चिकन हमने अच्छी तरह कढ़ाई में सेट कर दिया है, तो अब इसके ऊपर हम कढ़ाई का ढक्कन रख देंगे, और तकरीबन इसको 10 मिनट तक हम स्टीम पे रखेंगे, फिर बाद में आपको दिखाते हैं। आए व्यूअर्स, देखते हैं, इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो एक दफ़ा हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल चुका है कि नहीं। ये देखते हैं, चिकन हमारा गल चुका है, और पानी भी तकरीबन अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। तो मज़ीद इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे इसके ऊपर, तो फिर दोबारा आपको दिखाते हैं, ताकि अच्छी तरह गल जाए ये। आए व्यूअर्स, देखते हैं एक दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और जो हमारी आज की टिक्का बोटी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है झटपट में। तो अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत प्यारी रंगत आई है। ये देखें, घर में बनाना नहायत आसान है। बारबेक्यू के लिए वो जो आग वाली कोल वाली भट्टी है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका एक अपना टेस्ट होता है, मगर इसको भी हमने कोयले का दम दिया था, तो इसमें भी वो टेस्ट आ चुका है, और उसकी धीमी धीमी सी खुशबू हमें मिल रही है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये लें व्यूअर्स, टिक्का बोटी को आपके सामने मैंने डिश आउट करके रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी,
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।